गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। मैं हूं डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड आज का सेशन, अभी का सेशन फोकस करने वाला नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ऑलरेडी वी हैव लॉन्च्ड अ सीरीज अपॉन आवर चैनल मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स हम कवर कर रहे हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया में डिमार्केटेड है, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी बायोस्फीयर रिजर्व इन डिटेल। ऑलरेडी दो सेशंस कल आ चुके हैं, वन वॉज ओवर द बायोस्फीयर रिजर्व्स डेफिनेशन इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन वॉज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये आज तीसरा सेशन है एंड वी आर गोइंग टू सी दिस बायोस्फीयर रिजर्व इन डिटेल। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं सेशन, देर किस बात की। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। द मोस्ट ऑथेंटिक वीडियोस ओवर मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी आर आउट हियर। एंड बिफोर प्रोसीडिंग एंड लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो अप ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म टेकिंग अप the plus courses, taking up the special classes, also I'm taking up current affairs upon the YouTube channel of Unacademy, let's crack UPSC CSE channel. तो daily morning current affairs आप मुझे वहां भी सुन सकते हैं, description box में मैं link दे दूंगा। and चलिए देखते हैं आज इस session को। so Nanda Devi Biosphere Reserve Uttarakhand में located, we are going to see this। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व का डेफिनेशन मैंने पहले ही कल के सेशन में बताया था। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, दे आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एज यू कैन सी, लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये डेफिनेशन यूनेस्को ने दिया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, 1971 में लॉन्च्ड, और वो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है। तो इंडिया के भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया गया है, विल सी इट। सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, एज यू कैन, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफिकल रीजन से लोकेटेड इनसाइड द कंट्रीज, एंड जिस कंट्री के अंदर ये लोकेटेड है उसी कंट्री के ज्यूरिस्डिक्शन में आएगा ये रिजर्व्स। बट द फोकस आउट हियर, यूनेस्को इन सच अ सिनेरियो, यूनेस्को से अगर रिकॉग्निशन मिला है उस बायोस्फीयर रिजर्व को, यूनेस्को प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ दैट बेल्ट, इकोसिस्टम कंजर्वेशन ऑफ दैट बेल्ट। अब आप बोलिएगा, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया? यस, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया। इनफैक्ट इट्स द बिगेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, इट्स द बिगेस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो, कम्युनिटी रिजर्व्स हो, सबसे बड़ा इसमें बायोस्फीयर रिजर्व होता है। इनफैक्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड होते हैं। एंड फोकस आउट हियर इज अपॉन, फोकस आउट हियर इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स इज अपॉन वर्किंग अपॉन द लोकल सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। जो भी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स है उसके लिए लोकल सॉल्यूशंस, लोकल्स का हेल्प लेकर, यानी जो वहां ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनका हेल्प लेकर। इन शॉर्ट द फोकस इज अपॉन वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल लिविंग देयर प्लस, यानी वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल लिविंग देयर प्लस इकोसिस्टम कंजर्वेशन। और ये बायोस्फीयर रिजर्व का आप देख सकते हैं एरिया बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर तीन जोन्स होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशनल जोन। ये देखिए कोर जोन, ये बफर, ये ट्रांजिशनल। कोर जोन आप समझ सकते हैं, यहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी प्रिवेंटेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, इट्स ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, यू कैन सी द रिसर्च सिंबल आउट हियर। जबकि बफर एंड ट्रांजिशनल एरिया में बाकी सारी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिसर्च इट्स अलाउड। यू कैन सी ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टूरिज्म, ऑल आर अलाउड इन बफर एंड ट्रांजिशनल बेल्ट्स। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं, इट्स वन ऑफ द मींस बायोस्फीयर रिजर्व्स आर वेरी बिग एरियाज, एरिया वाइज वेरी बिग टेरिटरीज, एज यू कैन सी। देखिए ह्यूमन सेटलमेंट्स अंदर में है, बफर जोन में, ट्रांजिशन जोन में, इन्हीं लोकल्स का हेल्प लेकर, जो गांव बसे रहते हैं उनका हेल्प लेकर इकोसिस्टम
कंजर्वेशन। तो चलिए देखते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स, हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, यू कैन सी इट हियर, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स, वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस सेशन बायोस्फीयर रिजर्व्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स वी सॉ की 18 नंबर है, उसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यू कैन सी इट है, उत्तराखंड में लोकेटेड। हमारा आज का फोकस पॉइंट यही बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बहुत हद तक दिस रिजेंबल्स द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यू ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस सेशन, उसी से बहुत कुछ वेजिटेशन, बहुत कुछ एनिमल्स रिजेंबल कर रहे हैं यहां पे। तो ये देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, लोकेशन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये देखिए ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे इसका लोकेशन, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंस, ठीक है, जस्ट अ मिनट, चमोली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंस, उसके अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो चमोली के बाद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट यू कैन सी इट हियर, हम ये तीनों डिस्ट्रिक्ट देखेंगे अभी, डोंट वरी, एंड बागेश्वर, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ये है, ये देखिए दिस बेल्ट बागेश्वर, थ्री डिस्ट्रिक्ट्स, दिस इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अगर फिजिकल फीचर वाइज देखा जाए, फिजिकल फीचर वाइज इट्स लोकेटेड इन बिटवीन द हिमाचल एंड द हिमाद्री प्लस हिमाद्री माउंटेन्स, इसका मतलब है लेट सी द हिमालयन माउंटेन्स बेल्ट आउट है, हिमालय का माउंट, हिमालय माउंटेन्स का स्प्रेड देखेंगे, विल कम टू नो, सो दिस इज द हिमालयन माउंटेन बेल्ट, और ये फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में, पैरेलल रेंजेस है, पैरेलल, दिस इज वन रेंज द हिमाद्री, एज यू कैन सी इट हियर हिमाद्री, दिस इज द वन रेंज, दिस इज हिमाचल, हिमाचल आउट हियर, दिस इज वन रेंज, दिस इज शिवानिक्स, ये तीन पैरेलल रेंजेस चले आ रहे हैं हिमालय में। तो सबसे सदर्न मोस्ट शिवालिक है, यू कैन सी इट हियर शिवालिक्स, ठीक है, उसके नॉर्थ में हिमाचल, हिमाचल, और उसके नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में हिमाद्री। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाए, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा आएगा शिवालिक्स, हिमाचल एंड हिमाद्री, हिमाद्री आर द टॉलेस्ट माउंटेन्स, और इसी हिमाचल और हिमाद्री के बीच में ये लोकेटेड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल्सो इट टेक्स अप हिमाद्री माउंटेन ऑल्सो, यस, इसी हिमाद्री माउंटेन का एक पार्ट है नंदा देवी पीक, नंदा देवी माउंटेन पीक, और वहीं पे वो दैट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी माउंटेन पीक और साथ में ये पूरा बेल्ट हिमाचल और हिमालय हिमाद्री के बीच में ये पूरा बेल्ट आउट है। इसका साफ साफ मतलब है कोल्ड डेजर्ट का जैसा लोकेशन था स्टूडेंट्स, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का सेम लोकेशन, इट इज लाइंग इन द रेन शैडो बेल्ट, रेन शैडो, इधर से विंड्स आती हैं, इधर से विंड्स आती हैं, अगर देखा जाए तो ये देखिए रेन शैडो, इधर बारिश होगी इस साइड में, इस साइड में बारिश होगी, इस साइड में बारिश नहीं होगी, रेन शैडो, इसीलिए बहुत कुछ यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। इट्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, लीवर्ड साइड, ये वर्ड्स मैंने बताया थे पिछले सेशन में, लीवर्ड, LEEWARD, लीवर्ड साइड, एंड इसीलिए रेन शैडो बेल्ट में है, बारिश नहीं होती है, यहां का वेजिटेशन बहुत डिस्टिंक्ट ड्राई वेजिटेशन, ड्राई, हल्की फुल्की जो भी बारिश होती है उसके कारण वहां पे कुछ फ्लावर्स और कुछ लोकल हर्ब्स एंड श्रब्स आए हैं उस पर। सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ वेजिटेशन कैसा होगा यहां पे, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, दिस वाज द दिस मैप, चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, इसी जगह पे ये देखिए, देखिए ये हिमालय फोल्ड माउंटेन्स मैंने भी बताया आप लोगों को, ठीक है, बहुत वाइड हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, और ये देखिए क्लियर कट मैप नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दो नेशनल पार्क हैं, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और एक है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ओवर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सवाल पहले ही पूछा जा चुका है, ठीक है। इनफैक्ट यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है 2018 में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क देखिए यहां पे मार्क करिएगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली, यस। और ये पूरा बेल्ट हिमाचल और हिमाद्री माउंटेन्स के बीच में, ये देखिए हिमाचल, ये देखिए शिवालिक्स, हिमाचल, हिमाद्री। सो यहां पे इस बेल्ट में इसका लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंदा देवी माउंटेन पीक यहीं पे है और इसी के आसपास नंदा देवी नेशनल पार्क ऑल्सो। सो नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क बोथ ऑफ देम कंबाइन टू फॉर्म नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यू कैन सी इट हियर, उत्तराखंड नॉर्दर्न पोर्शन। और स्टूडेंट्स से बता दो ये पोर्शन अभी न्यूज में भी था क्योंकि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये पिथौरागढ़ है, इसी का ईस्टर्न बेल्ट, यहाँ पे लिपु लेक पास है, नेपाल के साथ लास्ट ईयर कुछ डिस्प्यूट, नेपाल ने कुछ डिस्प्यूट किया था यहाँ पे, ठीक है। मैप में कुछ लिपु लेक पास और काला पानी डिस्प्यूट, कहते हैं काला पानी रीजन अपने टेरिटरी में शो किया था, इट्स लीगली अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो आई सपोज यू गॉट द लोकेशन, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी द बायोस्फीयर रिजर्व इन शॉर्ट, क्या लिखा हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूड एज कोर एरियाज द नंदा देवी, देखिए कोर एरिया, दिस वर्ड हैड कम अप, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इट्स ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है मैं सेशन में आगे चलकर बताऊंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के सेशन में, डोंट वरी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी नोटिफिकेशन या आप कह सकते हैं टैगिंग यूनेस्को ही देता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स। सो नंदा देवी नेशनल पार्क हैज रिमेन्ड मोर और लेस इंटैक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनएक्सेसिबिलिटी, यस इनएक्सेसिबल है नंदा देवी माउंटेन पीक के आसपास का हिमाद्री माउंटेन का बिट, इनएक्सेसिबल, नो ह्यूमन हैबिटेशन, इसीलिए प्रिस्टीन है, वर्जिन वेजिटेशन है वहां पे, ह्यूमंस वहां पे गए भी नहीं है उतनी बड़ी संख्या में। एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज रिनोन्ड फॉर इट्स एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स विच आर हैविंग आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, हम देखेंगे उनका ये इमेज फ्लावर्स का, ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेरी ऑसम, यू कैन सी हियर द इमेजेस, आप देख सकते हैं बहुत ऑसम इमेजेस, ये माउंटेन्स के बीच में, ये वर्ल्ड फेमस है ये, ठीक है। इट्स ऑल्सो टूरिस्ट साइट एट प्रेजेंट, वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये देखिए आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, द एरिया हैज लार्ज आल्टीट्यूडनल रेंज, हाइट बहुत ज्यादा है इस एरिया का, 1800 से 7800 मीटर अबव सी लेवल, यस इट्स ह्यूज हाइट अबव सी लेवल, इनफैक्ट मैक्सिमम ये आइस कवर्ड बेल्ट में, स्नो कवर्ड बेल्ट में आता है। एंड इट्स डोमिनेटेड बाय नंदा देवी माउंटेन पीक, नंदा देवी माउंटेन पीक यू कैन सी इट। तो 1800 से 7800 मीटर अबव सी लेवल पर इसका लोकेशन, एंड यू कैन सी इट हियर, यहां पे डाइवर्स इकोलॉजी है, ठीक है। एंड ओवर 55% ऑफ द स्पीसीज आर नेटिव टू हिमालय, Over 10 are endemic and 225 are near endemic. 10 species केवल यही पाए जाते हैं, endemic plant species है यहाँ पे, ठीक है। And 55% of species केवल हिमालयन बेल्ट के हैं, बाहर के species नहीं है यहाँ पे, means हिमालयन बेल्ट का flagship species सब का सब यहाँ पाया जाता है। So let's see, this is the plants, plants के बारे में, और देखिए vegetation अगर देखा जाए The Bayswari Reserve के बारे में, you have a look. The Bayswari Reserve includes reserve forest and civil forest and panchayat forest, agriculture land, grassy slopes, alpine meadows and snow covered areas. Complete mixture है यहाँ पे, panchayat forest भी है and agriculture land भी है जहाँ पे tribals, जो local tribals हैं वो वहाँ पे cultivation करते हैं, and also snow covered mountain peaks. द एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स आइस, क्या कहते हैं
स्नो लाइन के बहुत पास में एट हायर लेवल्स. कितना हायर लेवल्स? 3500 मीटर अबव सी लेवल. दैट मींस एल्पाइन वेजिटेशन अगर ये 3500 मीटर है अबव सी लेवल, ठीक है, तो यहां पाया जाएगा एल्पाइन वेजिटेशन इस पूरे बेल्ट में. मींस बिल्कुल डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, अलग तरीके का. और ये देखिए यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन्स बहुत फेमस है यहाँ पे एज द प्लांट्स एंड रेयर एंड एंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीसीज हैं इस जगह पे. यू कैन सी द इस बेल्ट के फॉरेस्ट इस तरफ. यहाँ पे दो प्रकार के फॉरेस्ट बहुत कॉमन है. फर्स्ट इज हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ये सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट स्टूडेंट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज हैविंग द सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट. हिमालयन ड्राई टेम्परेट का मतलब क्या? टेम्परेट मीन्स लो टेम्परेचर्स बेल्ट एंड ड्राई मीन्स लैक ऑफ मॉइस्चर, बारिश नहीं होती है. रेन्स आर वेरी लेस प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज बिलो 100 सेंटीमीटर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इसलिए इस बेल्ट में ये पाया जाता है. और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कंसीट है गढ़वाल बेल्ट, ठीक है, एंड दिस द होल बेल्ट ऑफ उत्तराखंड. इनर ड्राई रेंजेस ऑफ हिमालय आर हैविंग दिस वेजिटेशन. वही जिस क्या कहते हैं शिवालिक और हिमाचल के लीवर्ड साइड ये वेजिटेशन पाया जाता है. और ये देखिए हिमालय ड्राई टेम्परेट के अलावा एल्पाइन फॉरेस्ट. एल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? यू कैन सी इट हियर 2900 मीटर्स अबव सी लेवल टू 3500 मीटर्स अबव सी लेवल दिस एल्पाइन फॉरेस्ट इज फाउंड. 3500 मीटर के ऊपर स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्नो लाइन आता है, ठीक है. स्नो लाइन कम्स उसके ऊपर स्नो इज फाउंड अपॉन द माउंटेन पीक्स. तो एल्पाइन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच रेंज 2900 मीटर्स अबव सी लेवल टू 3500 मीटर्स अबव सी लेवल. कुछ इमेज ऐसा बनेगा अगर ये सी लेवल है, ठीक है, तो यहां से ये 2900 मीटर से 3500 मीटर तक एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एल्पाइन फॉरेस्ट देखने में आप देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, यू कैन सी जस्ट अ मिनट, ये भी एल्पाइन भी दो प्रकार के हैं, ड्राई एल्पाइन मॉइस्ट एल्पाइन. दिस इज द एल्पाइन फॉरेस्ट, यू कैन सी इट, ठीक है. स्टंटेड ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज, ठीक है, डिस्टिंक्ट देखिए दिख रहा है, ग्रासेस बहुत ज्यादा है. टॉल ट्रीज आर एबसेंट, टॉल ट्रीज एबसेंट इज बेल्ट, ठीक है. तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन बींग फाउंड. दो प्रकार के वेजिटेशन यहां पाए जाते हैं, हिमालयन ड्राई टेम्परेट एंड सेकेंड एल्पाइन. ये दोनों प्रकार का वेजिटेशन, द बोथ दीज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यू कैन फाइंड इट इन द एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसमें दिया हुआ डिटेल में. और देखिए हम वेजिटेशन में एक यहां का एंडेमिक स्पीसीज हिमालयन ट्रिलियम, यस, ये डिस्कस किया था मैंने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में भी. ये द हिंदू न्यूज़पेपर का कटआउट है, न्यूज आया था इन द मंथ ऑफ डिसंबर मंथ में, न्यूज 2020 डिसंबर मंथ. हिमालयन ट्रिलियम इसका एक और नाम है नाग छतरी, और इसे डिक्लेयर किया गया एंडेंजर्ड प्लांट बाय IUCN, एंडेंजर्ड प्लांट बाय IUCN. लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है. यहां इट्स रिटन आउट है, हिमालयन ट्रिलियम अ कॉमन हर्ब ऑफ हिमालयस वॉज लेबल्ड एंडेंजर्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इस प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ये देखिए, इट इज यूज टू क्योर डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, पेट की बीमारी, वुंड्स, घाव, स्किन बॉल्स, चमड़े की बीमारी, ठीक है, ऑल्सो इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, पॉइजनिंग इनसाइड द बॉडी, ऑल्सो मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इससे ठीक होते हैं. बहुत हाई मेडिसिनल क्वालिटी, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज एंटी कैंसर एंड एंटी एजिंग एजेंट. यू कैन सी इट हियर, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग एजेंट. इसका लोकेशन टेम्परेट एंड सब एल्पाइन जोन्स ऑफ हिमालय. इसका रेंज क्या है टेम्परेट बेल्ट में? इसका रेंज क्या है स्टूडेंट्स? 2400 मीटर्स टू 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, 2400 मीटर से 4000 मीटर तक सी लेवल से ऊपर एल्पाइन जोन में पाया जा रहा है, ठीक है. और इंडिया में ये फोर स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है. ये देखिए यहां पे
इनफैक्ट थ्री स्टेट्स एंड वन यूटी, वन इज हिमाचल प्रदेश स्टेट, वन इज सिक्किम स्टेट, वन इज उत्तराखंड स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख यूटी जो बना है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी. यस, सो लद्दाख यूटी एंड थ्री स्टेट्स हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम, पूरा हिमालयन जोन. और इंडिया के अलावा जहां जहां हिमालय प्रेजेंट है वहां वहां ये पाया जाता है. यू कैन सी हियर भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दैट इज इंडियाज नेबर्स, इंडियाज नेबर्स इंक्लूडिंग अफगानिस्तान. तो हिमालयन ट्रेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं यहाँ के फौना के बारे में. एंड यू कैन सी हियर ये हिमालयन ट्रेनियम की संख्या कम क्यों हुई, व्हाई इज इट एंडेंजर्ड, बिकॉज इट इज थ्रेटन्ड. इसका सर्वाइवल बहुत कम हो गया है क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण. ऑल्सो इट हैज अ लॉन्ग लाइफ साइकिल. इस प्लांट का बहुत लंबा लाइफ साइकिल है. इट ग्रोज वेरी स्लोली. ये बहुत स्लोली बढ़ता है. इट इज वेरी स्लो टू रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. यू कैन सी इट. ये एक शॉर्टकमिंग है इसका. और तो और इट इज वेरी पुअर इन सीड डिस्पर्सन, वेरी पुअर कैपेसिटी. तो बीज जल्दी डिस्पर्स नहीं होते हैं, ग्रोथ नहीं होता है. ग्रोथ में लॉन्ग लाइफ साइकिल है, बहुत डिफिकल्ट, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अल्टीमेटली इट्स हैविंग अ इंपैक्ट अपॉन द प्लांट. तो यही है स्टूडेंट्स हिमालयन ट्रेनियम के बारे में. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, फौना. फौना में कुछ यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज हैं, ठीक है, हिमालय के, जो आपने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में भी पढ़ा था. यू कैन सी इट्स स्नो लेपर्ड इज वन ऑफ देम, तिब्बतन गैजल इज वन ऑफ देम, ठीक है, हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में, ठीक ठीक है. एंड हिमालयन ब्राउन बेयर इज वन ऑफ देम, हिमालयन ब्लैक बेयर इज वन ऑफ देम, ठीक है. बहुत सारे स्पीसीज है. हिमालयन ब्लू शीप, भरल, ठीक है, भरल शीप जो स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड जिसपे प्रे करता है, जो फूड का काम करती है स्नो लेपर्ड के लिए. ऑल्सो दिस, सो दीज आर द फेमस स्पीसीज आउट हियर. इसमें तिब्बतन गैजल, स्नो लेपर्ड एंड ब्लू शीप हम देखने वाले डिटेल में. हैव अ लुक. सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यू कैन सी स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर एंड न्यूमरस प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. लेट्स सी, अब आगे बढ़ने से पहले IUCN के बारे में बता दूंगा आपको. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, वहां पे लोकेटेड, ग्लैंड शहर स्विट्जरलैंड. और ये डेटा निकालता है, रिसर्च करता है. ये IUCN क्या रिसर्च करता है, संख्या कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स की कम हुई है, विच प्लांट्स एंड एनिमल्स नंबर्स हैव कम डाउन, विच नीड प्रोटेक्शन, और इसी बेसिस पे ये लिस्टिंग करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट खत्म हो चुके हैं, एग्जाम्पल चीता. कौन से एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, यानी नेचर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, केवल उनको जू में या कहीं पर रखा गया है. नेक्स्ट, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, संख्या बहुत कम हो गई है. कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से वल्नरेबल है, कौन से नियर थ्रेटन्ड है और कौन से लीस्ट कंसर्न के. ये फेमस टैगिंग से ये देखिए, जितनी संख्या कम होगी द एनिमल और प्लांट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड एंड इफ द नंबर्स गो अप इट विल शिफ्ट टू दिस साइड रिवर्स. और ये डेटा ये IUCN पब्लिश करता है. इंडिया को भी लेकर ये डेटा पब्लिश किया जाता है. और इसी के बेसिस पे हम देखने वाले हैं द फेमस फौना ऑफ दिस बेल्ट. हैव अ लुक. द फर्स्ट फौना इज स्नो लेपर्ड. तो स्नो लेपर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे वल्नरेबल टैग किया गया है IUCN ने. ये देखिए, और IUCN के इस लिस्ट को रेड लिस्ट कहते हैं. देखिए वल्नरेबल है स्नो लेपर्ड, वल्नरेबल, फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. ये देखिए, सो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इनहैबिट्स अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जोन्स, 3000 मीटर से 4500 मीटर अबव सी लेवल, 3000 मीटर जैसे 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर अबव सी लेवल. इट्स वन ऑफ द बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया. और ये अल्पाइन बेल्ट्स में ये रहता है, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस
इसके इट इज थ्रेटन्ड बाय पोचिंग, पोचिंग यू कैन सी इट हियर पोचिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट आल्सो, यस इसके बॉडी पार्ट्स स्मगल आउट किए जाते हैं आफ्टर इट इज किल्ड। और ये देखिए यहाँ पे स्नो लेपर्ड का कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स, यस इंडिया में स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यू कैन सी इट हियर दिस वन दिस मैप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, पूरा हिमालयन बेल्ट, यहाँ पे हिमाद्री बेल्ट जहां तक एल्पाइन जोन है वहां तक ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है। स्नो लेपर्ड का रेंज इंडिया में लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, और उत्तराखंड में नंदा देवी पास रिजर्व जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी दिस इज स्नो लेपर्ड, आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। और ये देखिए नेक्स्ट हम स्पीसीज पढ़ते हैं थोड़ा, ये है हिमालयन मस्क डियर या व्हाइट बेलीड मस्क डियर, ये देखिए ये हिमालय में पाया जाता है इंडिया के अलावा नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में और चाइना में, और ये डियर एंडेंजर्ड है IUCN के लिस्ट में बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दिस कैन कम अप। हिमालयन मस्क डियर क्या ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सो एंडेंजर्ड कैटेगराइज्ड अपॉन IUCN। नेक्स्ट ये है भरल शीप यानी हिमालयन ब्लू शीप, जो मैंने बताया द स्नो लेपर्ड ईट्स द शीप ओनली, इसी भेड़ को वो खाता है, भरल को वो प्रे करता है भरल के ऊपर और तभी वो सर्वाइव करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ फूड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल आउट हियर, द ट्राइबल्स आउट हियर, भरल। एक और भी स्पीसी स्टूडेंट्स यहाँ का न्यूज में था, ये देखिए तिब्बतन गैजल, ये देखिए तिब्बतन गैजल, एज यू कैन सी दिस स्पीसीज ये UPSC के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। तिब्बतन गैजल इज ऑल्सो फाउंड इन लद्दाख कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इट्स ऑल्सो इन नंदा देवी, इट्स ऑल्सो इन सिक्किम, सिक्किम, नंदा देवी एंड कोल्ड डेजर्ट तीनों जगहों पर, यानी कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम में ये तिब्बतन गैजल इज फाउंड। तिब्बतन प्लेटो का ये नेटिव है, ठीक है, गुआज कहते हैं इसे, दे आर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट दिस बेल्ट एंड ये एल्पाइन बेल्ट में रहता है, एल्पाइन जोन में, यू कैन सी इट हियर इंडिया में, लद्दाख में, सिक्किम में और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इट्स फाउंड। तो ये भी बहुत ज्यादा अभी इसकी इसकी कैटेगराइजेशन अभी हुई है नियर थ्रेटन्ड में, ये देखिए ये तिब्बतन गैजल यू कैन सी है और यू कैन सी नियर थ्रेटन्ड का मतलब क्या IUCN पे, ये देखिए नियर थ्रेटन्ड, नंबर्स कम हो रहा है बहुत तेजी से, इसका वल्नरेबल में ये एंटर करेगा अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट। सो दिस इज इट, तिब्बतन गैजल, स्नो लेपर्ड आउट हियर वी सॉ, वल्नरेबल लिस्टेड, हिमालयन मस्क डियर एंडेंजर्ड, भरल, भरल शीप एंड तिब्बतन गैजल, दिस आर द फोर फौना, फोर एनिमल्स विच आर इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बेल्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। सो आई सपोज इट्स प्रीटी क्लियर दिस टॉपिक, ओके। तो यही है स्टूडेंट्स, आज का सेशन इसी पे फोकस था, आई होप यू एंजॉयड द सेशन अबाउट द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑल्सो एक न्यूज आया था, ग्लेशियर बर्स्ट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये फरवरी का न्यूज है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में रैनी गांव के पास में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, लेक का सॉरी ग्लेशियर का, ग्लेशियर के टुकड़े, ग्लेशियर वॉज ब्रोकन अप इंटू पीसेस और एक टुकड़ा आगे बढ़ गया, इट कॉज्ड मैसिव डिजास्टर इन दिस बेल्ट। ये देखिए ग्लेशियर बर्स्ट कैसे होता है, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द ग्लेशियर, ठीक है, हाई पीक्स ऑफ द हिमालय, देखिए मैं बता रहा हूं यहां पे, हाई पीक्स ऑफ द हिमालय आर कवर्ड विद फ्रोजन वाटर और स्नो, द स्नो मेल्ट्स ड्यू टू सन्स हीट एंड फॉर्म्स ग्लेशियर्स एंड देन रिवर्स, ग्लेशियर्स आर मूविंग शीट्स ऑफ आइस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हीटअप हो रहा है एटमोस्फियर, मेल्टिंग इज एस्केलेटेड, मेल्टिंग फास्ट हो रहा है एंड ग्लेशियर्स टूट जाते हैं बीच में से, ग्लेशियर बिगिन टू फ्रेगमेंट और उसके बाद देखिए फास्टर मेल्टिंग,
और यही फास्टर मेल्टिंग आगे चलकर इसी देखिए टुकड़े टुकड़ा गिर रहा है ग्लेशियर का नदी में, इट इज ब्रिंगिंग फ्लड्स डाउनस्ट्रीम। दिस हैपेंड इन फरवरी इन दिस बेल्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट, दिस वन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बेल्ट में। ये देखिए ग्लेशियर बर्स्ट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, मैसिव डिजास्टर, मोर देन 170 पीपल गॉट ट्रैप्ड, मेनी पीपल वर किल्ड अमंगस्ट देम, ओनली सम कुड बी सेव्ड। और ये नियर जोशी मठ इसका लोकेशन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये ग्लेशियर का टुकड़ा निकलकर बाहर आया था। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर अबाउट द ग्लेशियर मेल्टिंग। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। स्टूडेंट्स रेडी कर लीजिएगा, तिब्बतन गैजर इंपॉर्टेंट है, स्नो लेपर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, साथ में हिमालयन मस्क डियर इंपॉर्टेंट है, और साथ में हिमालयन ब्लू शीप भरल इज इंपॉर्टेंट, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और साथ में दिस नंदा देवी नेशनल पार्क, और ये पूरा बेल्ट वेजिटेशन के लिए क्यों फेमस है, कौन सा वेजिटेशन, हिमालयन ड्राई टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन एंड हिमालयन ट्रिलियम प्लांट, जरूर से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आई विल पोस्ट दिस पीडीएफ अपॉन द टेलीग्राम चैनल ऑफ IAS टॉपर्स मंत्रा, प्लीज गो थ्रू द पीडीएफ, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस। सो दैट्स इट, विद दिस आई विल एंड द सेशन, अगले सेशन में हम कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। टिल देन जय हिंद, नमस्कार, एंड यस बायोस्फीयर रिजर्व्स इसके बाहर कुछ नहीं देखना है आपको, दिस पीडीएफ्स एंड दिस सेशंस आर मोर देन इनफ। टेक केयर, नमस्कार।